हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं गोरा कबाब। ये बहुत ही उम्दा बनकर तैयार होते हैं, बहुत इजी और डिलीशियस रेसिपी है। सो आप भी ट्राई कीजिए अपने घर में, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन एंड प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग अवर गोला कबाब। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा अपना फूड प्रोसेसर और उसके अंदर हम अपना ग्राउंड बीफ डालेंगे, 2 pounds ऑफ ग्राउंड बीफ और 1/2 teaspoon हम सॉल्ट डालेंगे या नमक हस्ते जायका, 1 tablespoon कुटी हुई लाल मिर्च, 1 tablespoon धनिया पाउडर, 2 tablespoon ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 teaspoon क्यूमिन पाउडर और जीरा पाउडर, 2 tablespoon लेमन जूस और नींबू का रस, 1 teaspoon पिसी हुई लाल मिर्च और रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर, 1 tablespoon बेसन। यहाँ बेसन हमने इसलिए लिया है ताकि हमारे कबाब टूटने ना पाए और एक कंबाइनिंग एजेंट के तौर से हमें यूज करना है। इसके अलावा 1/2 cup ऑफ फ्राइड अनियन एंड 1 tablespoon ऑफ चॉप्ड ग्रीन चिली। इसके बाद हम कवर करेंगे और उसको अच्छे तरीके से पीसेंगे, उसको ग्राइंड करेंगे कीमे को और सारे इंग्रेडिएंट्स जो उसके अंदर हैं। इसके बाद फिर हम एक बोल में जो हमारा पिसा हुआ कीमा है उसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना शानदार हमारा ये कबाबों का कीमा पिस गया है और अब हम इसके बाद अपने कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सो कबाब बनाने से पहले हम चारकोल को बर्न कर लेंगे ताकि हम अपने कबाबों को एक स्मोकी फ्लेवर दे सकें। और ये यहाँ पे मैं एक फॉइल पेपर का एक लाइक बोल सा बना रही हूँ, एक प्याली, छोटी सी प्याली, ताकि जो ये हमारा बर्न चारकोल आएगा उसमें उसको हम इसमें रखकर और फिर धीमे में रख के हम उसको धुआं दे सकते हैं। तो ये धुआं धार सी गोला कबाब हम बनाने जा रहे हैं। अच्छा जी, सो इस गर्म कोयले पे हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसको कवर कर दिया है ताकि हमारे कबाबों में स्मोकी फ्लेवर आ जाए। इसको मैंने 1 minute के लिए रखा था और अब मैंने कवर हटाया है और मैं इस चारकोल के पीस को रिमूव कर दूंगी। थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों में लगाएं, ऑयल लगाएं या पानी से कर लें, थोड़ा सा लगाएंगे हम अपने हाथों में ताकि हमारा जो कबाब है, जो हम एक मुट्ठी कबाब लेंगे ताकि वो ड्राई ना हो और हम उसको आसानी से उस शेप में लें जिस शेप में के गोला कबाब होते हैं। हल्का सा इसको प्रेस कीजिए और कहीं कहीं जहाँ टूट रहा हो, आपको लग रहा हो जहाँ से क्रैक पड़ रहे हो, तो उसको हल्का हल्का बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ इसी तरह उसको बंद कर दें, क्लोजिंग। अब इसके बाद हम स्ट्रॉ की मदद से इसको हम सीखों वाला स्टाइल देंगे कि जैसे ये सीखों पर हमने इसको बारबेक्यू किया है, तो इस तरह हम स्ट्रॉ की मदद से भी कर सकते हैं। तो इस तरह मैं कर रही हूँ और फिर ऐसा ऐसा उसको इस तरह प्रेस करते जाइए ताकि वो एक शेप में आ जाए, जैसे गोला कबाब की एक शेप होती है तो वो उस शेप में आ जाए। स्लोली उसको जो है रिमूव कर दें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है और अब इसी तरह मैं अपने सारे कबाब बना लूँगी इसी। तो ये देखिए मैंने सारे कबाब बना लिए हैं और अब हम मूव ऑन टू अवर फ्राई पैन। उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, लाइक 3-4 tablespoon और इसमें अब थोड़ा सा हमारा फ्राई पैन वार्म हो जाए उसके बाद मैं इसमें अपने कबाब डालना स्टार्ट करूंगी और ये आहिस्ता आहिस्ता करके कबाब डाल दूँगी। अगर आपको लग रहा है कि ऑयल बहुत कम है तो आप उसमें थोड़ा सा ऑयल उसमें और डाल सकते हैं, जिस तरह के मैं अभी डाल रही हूँ। अच्छा जी, तो अब मैंने सारे अपने गोला कबाब इसमें डाल दिए अपने फ्राई पैन में और इसको हम 2-3 minutes इसको हम एक साइड पे पकने देंगे ऑन द मीडियम हाई हीट।
खुशबुएं तो बहुत आ रही हैं, मुंह में पानी भी आ रहा है। इतना अच्छे कबाब लग रहे हैं, मज़ेदार खुशबूदार, और जो मुंह में भी पानी आ रहा है। और इस तरह ये 2 to 3 minutes पकेंगे एक साइड से, उसके बाद इसको मैं फ्लिप कर दूंगी। और फ्लिप करके भी देखिए कितना अच्छा कलर इसके अंदर आया है। और अब इसकी जो फ्लेम है हम इसको स्लो कर देंगे, मीडियम स्लो, ताकि ये अंदर से भी कुक हो जाएं हमारे कबाब, और अंदर से भी टेंडर हों, गल जाएं, और ऊपर से भी अच्छा कलर आ जाए, ज़्यादा बर्न ना हो। तो ये मेरे कबाब बन के रेडी हो गए हैं और मैं डिश आउट कर रही हूँ। और इसका कलर, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा और नाइस लग रहा है, प्रेजेंटेबल है। और कुछ वेजिटेबल्स, कुछ इसकी डेकोरेशन के साथ मैंने इसको डिश आउट कर रही हूँ। वाओ, और कबाब बहुत ही डिलीशियस, जूसी और टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह हमने झटपट बेसिक इंग्रेडिएंट्स लेकर हमने ये गोला कबाब बनाए, जो कि बहुत ही नाइस एंड प्रोफेशनली आप रेस्टोरेंट स्टाइल के कबाब ये लग रहे हैं। और ये रेसिपी बहुत सिंपल, बहुत इजी है। प्लीज ये लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और ट्राई जरूर कीजिएगा, ताकि आप मुझे फीडबैक दे सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मैं मिलती हूँ फन मज़ेदार रेसिपी के साथ।